ये देखिए, हम सेकुलर पार्टी का जिला संगठन सचिव जो गया जिला से हैं, और राम सनेही मांझी जी अभी आमंत्रण और सम्मानित कर रहे हैं, गमछा दे करके सम्मानित किए। और हम सर से पूछेंगे, माननीय स्कूल के प्रिंसिपल हैं जैन कुमार जी, और राम सनेही जी आमंत्रण करने आए हैं होली मिलन समारोह के लिए। तो सर से मेरा सवाल रहेगा, सर कैसा लग रहा है होली मिलन समारोह के आमंत्रण में सर? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हम पार्टी जो है वो उनका विचार जो है और पार्टी से अलग है, भिन्न है। ये पार्टी जो है जो गरीबों को लेके चलती है, और इनका विचार जो है कहीं ना कहीं भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से मिलता है। इसलिए हम एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, हम इन विचारों को लेकर बच्चों के बीच जाते हैं और इन विचारों को ही रखते हैं। तो इनका विचार अच्छा लगा, मैं इनका जो विचार से सहमत हूँ और मैं इनका आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आमंत्रित किए हैं मिलन समारोह के लिए। सर, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि होली मिलन समारोह का प्रोग्राम कहाँ है सर? देखिए, प्रोग्राम तो हम बताएंगे, लेकिन चाहते हैं कि अभी ये जो चैनल के माध्यम से आपका जो मैसेज आएगा वो ठीक है, लेकिन अभी जो हम आपका जो जवाब है वो जवाब को थोड़ा सा हम हाइड रखते हैं, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन है वो हम उसको आपको जवाब दे देते हैं। ये बोधगया में कार्यक्रम किया जा रहा है, अच्छा, और हिंदुस्तानी आम मोर्चा सेकुलर पार्टी के द्वारा जितने भी कार्यकर्ता हैं, मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के कहीं ना कहीं रात दिन एक होकर के अपना मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाने में हमें योगदान दे रहा है, उनके लिए एक छोटी मोटी आयोजन किया गया है और लोगों को बुलाया गया है। तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग के बीच में हैं, मैं उनका आमंत्रण के साथ साथ सम्मानित भी कर रहा हूँ माननीय स्कूल के प्रिंसिपल जैन कुमार जी को। जी सर, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राम सनेही मांझी हुआ और हम पार्टी के हम जिला संगठन सचिव हुए। सर, आप अपना परिचय देंगे। सर मैं माननीय स्कूल जो बोधगया कलहरा में जो चल रहा है, मैं उनका प्रिंसिपल हूँ, और मैं स्कूल को वहाँ जो स्कूल चल रहा है मैं उसको देखभाल चलाना जो भी है तो मैं ही कर